सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दोस्तों, हिंदी दर्पण में आज हम बात करने जा रहे हैं महान क्रांतिकारी और हिंदी और उर्दू के मशहूर कवि श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में, जो खासकर देशभक्ति की कविताएं ही लिखते थे। बिस्मिल जी आचार्य यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। इन्होंने भारत की आजादी को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए इन्होंने आचार्य में काकोरी कांड का प्लान बनाया था, जिसमें पकड़े जाने के बाद इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। तो चलिए दोस्तों, इनके जीवन के बारे में शुरू से जानते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 11 जून 1897 को हुआ था। उस समय उस जगह को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस भी बोला जाता था। इन्होंने अपने पिता से ही हिंदी की शिक्षा ली थी और एक मौलवी से उर्दू सीखी थी। वो देश की हालत पर बहुत चिंतित रहते थे और बचपन से ही देशभक्ति की कविताएं लिखते थे। वो आर्य समाज का भी हिस्सा बन गए थे, जो उस समय सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। बिस्मिल ने मातृवेदी नाम का एक क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिसका लक्ष्य था अंग्रेजों से लोहा लेना। 28 जनवरी 1918 को बिस्मिल ने एक पैम्पलेट बनाकर बांटना शुरू किया, जिसका नाम था देशवासियों के नाम संदेश। संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए 1918 में इन लोगों ने अंग्रेजों को 3 बार लूटा। जब पुलिस ने इनको मैनपुरी में खोजना शुरू किया, तो ये दिल्ली जाकर वो किताबें बेचने लगे जिन्हें बेचना गैर कानूनी था, क्योंकि उसमें अंग्रेजों के खिलाफ लिखा हुआ था। जब उन्हें लगा कि वो पकड़े जा सकते हैं, तो वो बची हुई किताबें लेकर भाग गए। एक बार वो अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली और आगरा के बीच में लूट का प्लान बना रहे थे। उसी समय पुलिस आ गई और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। बिस्मिल जी जमुना नदी में कूद गए और पानी के अंदर ही तैरते हुए निकल गए। बाकी लोग अरेस्ट कर लिए गए और पुलिस को लगा कि बिस्मिल फायरिंग में मारे गए। हालांकि कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चल गया था कि वो जिंदा हैं। वो बाद में दिल्ली चले गए और छुप कर रहने लगे। इसके बाद बिस्मिल 2 साल तक सरकार की आंखों से बचते हुए जगह जगह घूमकर लोगों को जागरूक करते रहे और देशभक्ति की कविताएं लिखते रहे। वो कांग्रेस की मीटिंग भी अटेंड करते थे, जहां पूर्ण स्वराज की डिमांड को आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान रहा है। उसी समय असहयोग आंदोलन भी बहुत जोर शोर से चल रहा था। वो शाहजहांपुर में वापस आकर लोगों को अंग्रेजों का कोई भी सहयोग न करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। इनके भाषण और उनकी कविताओं का असर लोगों पर इतना पड़ने लगा कि लोग अंग्रेजों के खिलाफ बौखला उठे। चौरी चौरा कांड में सरकारी गवाह बने बनारसी लाल के अनुसार बिस्मिल लोगों से कहते थे कि अहिंसा से आजादी कभी नहीं मिलेगी। चौरी चौरा कांड में लोगों के गुस्से के लिए इनके भाषण को भी जिम्मेदार बताया गया। इसी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसके कारण बिस्मिल और कई क्रांतिकारी नेता कांग्रेस से नाराज हो गए। बिस्मिल ने और लोगों के साथ मिलकर एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। एचआरए ने ही काकोरी कांड का प्लान बनाया, जिसे बिस्मिल लीड कर रहे थे। लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन को रोककर उसमें मौजूद सरकारी खजाना लूट लिया गया। लड़ाई में फायरिंग भी हुई और गलती से एक हिंदुस्तानी मारा गया। इसी मामले में केस हुआ और फिर 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। अंतिम संस्कार के लिए बिस्मिल के शरीर को राप्ती नदी के पास ले जाया गया, जिस जगह को आज राजघाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कभी कभी सोचता हूँ कि वो भी क्या दीवानगी थी इन जैसे देशभक्तों की, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान के बारे में भी नहीं सोचा। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में ही हो आना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे दूसरों को भी इनके जीवन के बारे में पता चल सके। हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाते रहेंगे, जिन्हें देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी दर्पण को ये बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें।
आपके छोटे से प्रयास से हमें प्रोत्साहन मिलता है।